तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई अब भी जिसका कॉन्कर नहीं हुआ ना, 100-200 पॉइंट चाहिए, तो भाई कर लो यार, हो जाएगा आराम से। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने का, ठीक है। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे आपको कॉन्कर ना 5420-30 के 30 के आसपास ऐसे कुछ होगा, तो आराम से आपका कॉन्कर हो जाएगा। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1000 के बहुत ही करीब हूँ और बहुत ही ज़रूरत है मेरे को, तो प्लीज़ यार करवा दो, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो बात करते हैं हमारे गेम प्ले के बारे में। भाई आज के वीडियो में दो गेम प्ले रहने वाले हैं और दोनों ही बहुत ही खतरनाक है, तो एंड तक पूरा देखिएगा। तो भाई इधर उतरते ही मेरे को गन मिल जाती है और यहाँ फटाफट मेरे को 2 किल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं शांति से सोच रहा था अभी कहीं भी निकलूंगा बाहर ना, तो भाई यहाँ पे बंदे कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पे कैम किए हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा आराम से खेला करिए। तो यहाँ पे जल्दी से अपना M249 लोड करते हैं और भाई बंदों का फुर्ज लेने का ट्राई करते हैं, और जब बंदे पता चल जाएगा तो उसके पास रश करेंगे। यहाँ पे भाई पता नहीं कैसे मेरे ऊपर मोली आता है, फिर सामने से फुर्स आता है बंदे का। तो यहाँ भी अगर मैं सामने से रश करता ना तो मारा ही जाता, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ। मैं सोच रहा था एकदम से घूम के आऊंगा फिर इस बंदे को मारूंगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज रहते हैं ना, इनको आप ना एक भी गोली मार के इनको डिस्टर्ब नहीं करने का, नहीं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा डैमेज करेंगे। फिर मैं आगे आता हूँ, यहाँ मुझे फिर एक बंदे का फुटस्टेप आता है। तो बंदा यहीं पे बैठा था, अगर मैं सीधा जाता तो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा वाला वहां पे पड़ता, बंदा मेरे को मार देता। फिर जैसे ही मैं इधर आता हूँ, इधर आते ही मुझे एक और बंदे का फुटस्टेप आता है। तो भाई मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ऐसे था कि भाई कहीं ये वही बंदा है कि दूसरा बंदा है। फिर मैं घूम के इधर आता हूँ, अब मुझे बंदे का पोजिशन नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा था अभी अब गेट की उस साइड है, बट यहाँ पे हल्का सा उसका फुट्स का निशान आता है, तो मुझे लगा भाई गेट की उस साइड है, बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, भाई फिर भी यहाँ पे मैं बंदे को 2 हेडशॉट मारता हूँ। आप फिर से देख लीजिए, टन टन 2 हेडशॉट मारता हूँ, बट बंदे के पास Level 3 का हेलमेट था, तो SMG से 2 हेडशॉट से कुछ होता नहीं है, तो जिससे बंदा यहाँ पे बच जाता है। फिर मैं मरने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे मेंशन में। यहाँ पे भाई पहले तो आपको चेक कर लेना है कोई बंदा ना हो, तो मुझे तो ज़्यादा टेंशन नहीं था माइनस वाइनस का, क्योंकि भाई आपका डेली का 2 माइनस बच जाएगा अगर माइनस होगा भी। तो यही एडवांटेज है, अगर आपका 2 माइनस डेली अगर हो गया ना तो आपका बच जाएगा आराम से, तो आप आराम से भी फिकर होकर रैंक पुश करिए। तो आप दिन में 1-2 चांस ले सकते हैं रश वश करने का, ठीक है। और आप ट्राई किया करिए कि भाई आप बचा के ही रखें, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपका जो वो ख़त्म हो जाए तो आपका बचा रहे, ठीक है, आपको मतलब कि फ़ायदा ही देगा, तो उसको बचा के रखिए। आप ज़बरदस्ती रश ना करें कि भाई हाँ मेरे पास एयर प्रोटेक्शन है, जिसके चक्कर में आप जाओगे रश करोगे और मर जाओगे। फिर तीसरे गेम में अगर मान लो 2 मैच में लगातार मर गए तो तीसरे गेम में आपको डर के खेलना पड़ेगा, इससे बढ़िया रिस्क नहीं लेते हैं, आराम से खेलते हैं, ठीक है। तो अब बारी थी एंड जोन में जाने की, और अभी यहाँ पे 12 बंदे बचे थे, तो भाई अपने आप को फुल हीस्ट और बूस्ट कर लेना है, हील और बूस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ये स्क्वाड और ये घर यहाँ पे जोन में था, तो मैं थोड़ी देर तक यहीं पर होल्ड करता हूँ, और यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं था तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही ये जोन इधर से श्रिंक होता है, तो मैं सोच रहा था अब जाऊँगा सीधा जोन में। अब टॉप 10 भी हो गया था, तो किसी बंदे से डायरेक्ट मैं फाइट लेने वाला हूँ, तो देखो अब क्या होता है। जैसे मैं आगे आता हूँ, यहाँ मुझे एक बग्घी दिख जाती है, तो मैं सोच लिया था कि भाई यहाँ पे इस बंदे से फाइट लेनी ही लेनी है, चाहे मरूँ या ना मरूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे ही आ गया हूँ, भाई इसकी भी यहाँ दूसरे बंदे के साथ फाइट हो जाती है, इसने उसको तो मार दिया बट इसको हमने मार दिया इधर पे। और भाई इन बंदों के पास सच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल की लूट थी जो मेरे पास नहीं था, यहाँ पे मिल गया।
तो एक बंदा यहाँ स्नाइपर टावर पे है, ठीक है, और कुछ बंदे लेफ्ट में भी हैं, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ डायरेक्ट स्नाइपर टावर के पास रश करूंगा, फिर देखो क्या हुआ। भाई इधर पे इस बंदे ने मुझे इतना गंदा वाला डैमेज कर दिया, उधर से मुझे दुम दबा के भागना पड़ा कुत्तों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से, अब सामने भी बंदे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पड़ ना जाए, तो थोड़ा पैनिक वगैरह ऐसा सिचुएशन हो रहा था, तो फालतू में मैं डर जाता हूँ, मैं डरता बहुत हूँ मैं आपको बता दूँ। फिर यहाँ पे मैं अपने आप को हील करता हूँ, और जोन इधर पे नहीं था तो इधर से निकलते हैं। जोन यहाँ पे था और ये जोन अभी श्रिंक नहीं हुआ था, तो मैं सोच रहा था जब तक ये जोन नया जोन बन नहीं जाता यहीं पर बैठते हैं, और जब नया जोन बन जाएगा उसके पास उसके बाद हम जोन में एंट्री करेंगे। ओके, तो नया जोन बन गया और ये जोन मेरे से काफी दूरी पे था, तो यहां से मैं आगे जाता हूं। भाई यहाँ पे एक ही मैसेज दो बार आ रहा है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। फिर यहाँ भाई जगह नहीं दिख रहा था, फुल ओपन था यहाँ पे, अभी छह बंदे बचे थे इतने छोटे से जोन में। फिर इधर मैं ठोकता हूँ अपनी गाड़ी, भाई बंदा इधर पे बच जाता है क्योंकि भाई मैंने अभी एम असिस्ट ऑन सॉरी ऑफ कर दिया है कुछ दिन से, तो जिससे भाई स्प्रे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से ऑन ही कर लूँ। मुझे कौन सा स्पोर्ट प्लेयर बनना है, भाई इधर बंदे का स्प्रे आता है बहुत ही गंदे तरीके से पड़ता है, और मैं जोन के बाहर भी था और जोन चलना भी स्टार्ट होने वाला था, तो मैं सोच रहा था जोन में चला जाऊं, और जैसे ही आगे आता हूं एक यूए जाती है उसके ऊपर, मैं सोच रहा था भाई यहां पे थर्ड पार्टी करने का अच्छा मौका है। तो जैसे ही गाड़ी अपनी यहाँ पे रोकता हूँ तो सामने यहाँ बंदे लड़ रहे होते हैं, तो देख लो यहाँ पे कितना अच्छा स्प्रे किया, फिर भी बंदे को गोली कनेक्ट ही नहीं होती यार। अर्दियन यहाँ पे मुझे एक किल मिल ही जाता है, और अभी बचे थे चार बंदे, तो यहाँ पे मैंने सामने वाले का किल चोरी कर लिया। मुझे लगा भाई स्नाइपर टावर पे कोई नहीं होगा, बट वहां भी अभी बंदा था, तो देखो अब क्या होता है। भाई मुझे इतना गंदा वाला डैमेज कर दिया, जल्दी से यहाँ पे स्मोक करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया स्मोक करने में, उतने में मैं जो सोच रहा था वही हो गया, लेफ्ट वाला साइड बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है, यहाँ पे मार देता है। फिर देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा प्लस हुआ, हैशटैग थ्री पे मरने पे 17 का प्लस हुआ भाई, कसम से इतना तो चिकन डिनर करने पे भी नहीं होता था, तो लॉबी थोड़ी कॉन्कर वाली थी, बंदे अच्छे थे। तो बात करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में, तो यहाँ पे भाई देखो जैसे ही लैंड करता हूँ, लैंडिंग तो भाई अच्छी खासी मेरी हो जाती है, यहाँ पे गन मिलती है बट ओपन में कोई बंदा मुझे दिखता नहीं है, और मैं भी ओपन में था तो जल्दी से नीचे जाता हूँ। एक बंदा गया, जो कि बाहर चला गया, मुझे ये भाई ज़ॉम्बी एक टाइम में बंदा ही लगा। भाई यहाँ लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे भी बंदा था और सामने भी बंदा था, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था भाई पहले किसको मारूँ कहाँ पे रश करूँ। तो ये बंदा इधर पे बच गया क्योंकि भाई मेरा एम असिस्ट अभी थोड़ा ऑफ है, उतने भाई पीछे से बंदा आता है और इसको भाई ड्रॉप शॉट देके मार दिया अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे मेरे दो किल तो हो जाते हैं। अपने आप को फटाक से हील करता हूँ, उतने में लेफ्ट साइड से मुझे ना कुछ स्प्रे वगैरह कुछ थोड़ा सा फुटस्टेप आता है, यहाँ पे एकेएम लेता हूँ।
और बंदा भी दिख जाता है, उसको आराम से मार दिया। मारने के बाद यहाँ पे मेरे 3 किल हो गए थे। तो भाई यहाँ पे मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। बट भाई यहाँ पे दोनों तरफ बंदे थे और भाई मैं समझ ही नहीं पाता भाई कहाँ पे रश करूँ कहाँ पे रश करूँ। फाइनली भाई इस बंदे को हेड कनेक्ट हो गया और ये मर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे 4 किल हो गए थे। अब शांति से इधर पे लेटते हैं और अपने आप को फुल पहले हील करते हैं और बूस्ट करते हैं। तुरंत सामने रश कर देता हूँ उतने में लेफ्ट साइड में। अगर मेरा एम असिस्ट ऑन होता ना भाई ये बंदा इधर पे पक्का मारा जाता है। फिर देखो ये बंदा मेरे को कितना ज़्यादा भगाता है। और भाई एंड में चल के बंदा ये सामने वाले को किल दे देता है। अब मेरे हेडफोन में ऐसा फुट मतलब कि जो साउंड है ऐसा आ रहा था कि ये बंदा ना मेरे छत के ऊपर है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। और यहाँ पे मैं एजी मर जाता हूँ। तो यार वैसे मैंने हेडफोन ऑर्डर कर दिया है तो 3-4 दिन में आ जाएगा ठीक है अच्छा सा। तो उसके बाद मे भी मैं थोड़ा और ज़्यादा प्रो बन जाऊँ। तो मैं आ जाता हूँ स्कूल में लूट करने। यहाँ पे आते ही भाई मेरी स्क्रीन एकदम से झनझना जाती है, पिंग वगैरह एकदम से हाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 500 कुछ है। तो भाई होता रहता है ऐसे। नेटवर्क भी बहुत ही गंदा यहाँ पे। भाई नेट मेरा सही हो गया और यहाँ पे फुल अपना लूट कम्प्लीट करते हैं। उतने भाई यहाँ पे देखना, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, एक बोट रहता है बट यहाँ पे रिएक्शन ऐसा मतलब फुटस्टेप वगैरह ऐसा दे रहा था कि जैसे वो ये बोट नहीं रियल का बंदा हो। तो देखो और यहाँ पे मेरी फट भी रही थी, वो भी एक बोट से जो कि मुझे लगा कि एक बंदा है। तो लास्ट में देखना जैसे मैं आगे आता हूँ उतने भाई वो बंदा वो मतलब बोट भी फुटस्टेप देना चालू कर देता। तो मुझे मेरा डाउट जो है ना क्लियर हो गया कि भाई ये कहीं बंदा वंदा तो नहीं है। तो भाई ये एक बोट रहता है, इसको हमने यहाँ पे मार दिया। यहाँ पे मारने के बाद मेरे 5 किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बोट आ जाता है और हाजिरी लगाता है, इसको मार दिया। अभी भाई यहाँ पे अपार्टमेंट में कुछ बंदे रहते हैं, उनको देख रहा होता हूँ। फिर यहाँ पे एक और बोट आ जाता है, इसको मारने के बाद मेरे यहाँ पे 7 किल हो गए थे। तो भाई यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ चलूँ अब जोन में। तो जैसे इधर पे आता हूँ आप सामने देखो खिड़की में एक बंदा दिखता है। यहाँ मैं शाम से लेट जाता हूँ तो अभी टॉप 10 नहीं हुआ था। तो कुछ देर तक यहाँ पे लेटता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ भाई इधर से निकल लिया जाए कि अब तक मर ही जाऊँगा। तो देखना यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जोन में एंट्री करने वाला होता हूँ भाई आपका मतलब कि व्हीकल कभी ऐसे सिचुएशन में और ऐसा फंसा है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही गंदा लग रहा था यार यहाँ पे और सामने बंदा भी था। तो फिर भी यहाँ मैं पैदल पैदल भागते भागते फाइनली जोन में एंटर कर जाता हूँ। बट यहाँ राइट के शेक में एक बंदा था जो कि मुझे स्पॉट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर जल्दी से जोन में एंट्री करता हूँ। फिर सामने से एक बग्गी का साउंड आ रहा था। तो अभी मैं जोन के बाहर था तो जल्दी से जोन में जाते हैं। और हमारा टॉप 10 भी हो गया था और लास्ट के जोन में यहाँ पे बचे थे 4 बंदे। मैं जैसे इधर पे आगे आता हूँ सामने से ग्रेनेड आता है। भाई क्या ही परफेक्ट ग्रेनेड किया था बट यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। फिर बंदा यहाँ पे मोली वगैरह सब कर देता है और मुझे पता नहीं था भाई सामने वाला बंदा किधर पे है। फिर यहाँ पे एक बंदा बग्गी घुमा रहा था तो भाई मेरे पास तो व्हीकल था नहीं इसलिए भाई पैदल पैदल आगे जा रहा था। तो इसने एक बंदे को कुचल के मार भी दिया।
भाई इस बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट वगैरह है, इसके पास अच्छी खासी लूट भी है, MG3 वगैरह, फिर भी मैं आगे आता हूँ। और कसम से भाई MG3 क्या ही नेक्स्ट लेवल की गन है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये बंदा मैं जैसे आता हूँ एक बार स्प्रे करता है तो मुझे लगा कि भाई किसी थर्ड बंदे को मार रहा है, फिर मैं इसको मारता हूँ भाई, यहाँ पे काफी गंदा डैमेज भी कर दिया, बट इसकी MG3 की सारी गोलियाँ मुझे ही चिपक जाती है। और फिर बंदे का POV देखो, काफी गंदा डैमेज कर दिया था। फिर भी यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।